हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। सोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। हम फिर एक बार आ गए हैं आपके लिए होली स्पेशल रेसिपी लेकर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सुपर क्रिस्पी एंड सुपर टेस्टी शक्करपारे की रेसिपी, जिसे बहुत लोग मीठा खस्ता के भी नाम से जानते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है। और ये रेसिपी हमने अपनी माँ से सीखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। इसके लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी पीसी चीनी ले ली है। आप चीनी पीस के फिर उसका नाप करें। और आधा कटोरी हमने देसी घी लिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बस देसी घी का स्वाद अच्छा आता है। और आधा ही कप हमने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से चीनी इसमें सब पूरी तरीके से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें मैदा ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। मैदा हम इसके इसी के अकॉर्डिंग है कि जितना हमारा सॉफ्ट डो बन जाए उसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 कप मैदा मेरी इस रेसिपी में लगा है। आप अगर बड़ी कटोरी का नाप लेते हैं तो कम ज़्यादा जो भी हो, जैसे कि सॉफ्ट डो बन जाए उस हिसाब से आप रेशियो अपना रख लीजिएगा। बस हम इसे हाथ से बहुत अच्छा दबाते हुए नहीं, बस इसे बस मिक्स करते हुए हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। फिर हम इसकी, ये देखिए, अब हम इसकी ये छोटी छोटी लोई लेंगे और इसे हमें कुछ नहीं बेलना है बिल्कुल। बस हमें इसे हाथ से ऐसे ही दबाते हुए, ये हमारे पास मेरे बच्चे का ये कलर पेन का बॉक्स था, मैंने इससे ही कट कर लिया है, बहुत अच्छे से हो रहा था। आपके पास कटर हो, कुछ और चीज़ हो, किसी चीज़ का कोई ढक्कन होता है, किसी भी चीज़ से जैसे भी आप चाहें आप कट कर सकते हैं। या आप ऐसे हथेलियों पे ऐसे लेते हुए छोटा छोटा आप सिंपल ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। आप कोई शेप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऐसे भी करके इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हम ऐसे ये शेप बना लेते हैं। बस ये शेप ऐसे बनाते हैं तो ये देखने में एक साइज़ के अच्छे लगते हैं, बस इसलिए। और ये एक दूसरा शेप हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये चंद्रमा वाला शेप, ऐसे आप कट करके, और ये देखिए कितना सुंदर ये ऐसे बन जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, सामने से थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे और उसी को हमने आधा आधा कट करके, ये देखिए कितनी आसान तरीके से, ये कोई कटर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट से ये शेप बन के तैयार हो जाता है। और इसमें अगर हमें कोई ऊपर से भी और कोई चाहिए ना, तो हम ये फोक लेके इसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं, अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो ये बिना डिज़ाइन के भी ऐसे बना लीजिए, जैसे भी आप चाहें, ये देखने में अच्छे लगते हैं, बस इसलिए मैंने बना दिया। अब हमने तेल लिया है रिफाइंड ऑयल, और हमें फ्लेम एकदम हमें अपनी लो रखनी है, हमें पूरे टाइम फ्लेम एकदम लो रखनी है कि ताकि ये धीरे धीरे पकेंगे। ये देखिए हमने सारे शक्करपारों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे पलट के चलाते रहेंगे। ये मैदा है ना, तो हमें बहुत कम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकने देना है, ताकि ये ऐसा ना लगे कि ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाए और अंदर ये कच्चे रह जाएं। तो ये लो फ्लेम पे पकेंगे तो एकदम बिस्किट के जैसे ये एकदम खस्ता होंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए हमने ये सारे फ्राई कर लिए, ये देखिए एक जैसे शेप कितने अच्छे लग रहे हैं। बस ऐसे ही हम अपने सारे शक्करपारों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
और इसमें तेल भी बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत कम तेल। ऐसा नहीं है कि ये तेल तेल हो जाएगा, बहुत कम तेल में ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये देखिए हमने सारे शक्कर पारों को अपने फ्राई कर लिया है, और ये देखिए हमारे शक्कर पारे। और आप इस पे चाहें तो पाउडर शुगर से भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, ये देखिए। और ये हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है। ये बिस्किट जैसा एकदम घर का बिस्किट आप कभी भी बनाइए, और होली पे तो ज़रूर बनाइए। होली पे शक्कर पारे नहीं बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।